आप सब जानते हो आज बकरी ईद का दिन है। कोई एक विशेष धर्म वाले लोग हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आज जीव हिंसा करेंगे। हिंसा का तांडव होगा पूरी दुनिया में, मात्र भारत देश में नहीं, मात्र आसपास के पड़ोसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज हिंसा का तांडव होगा। सुबह से लेकर शाम तक रात तक इतनी जीव हिंसा की जाती है, हम सोच तक नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते। लेकिन हम भला क्या कर सकते हैं? कानून से रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कानून से हम उनको रोक नहीं सकते। ऐसी कोई शक्ति भी हमारे पास नहीं है कि जाकर के लड़के उनसे रोक ले। हम क्या कर सकते हैं? हम आज द्रव्य दया कर सकते हैं और भाव दया कर सकते हैं, जीव छुड़ाने का काम करते हैं। आज समाज के कई लोग जागृत हो जाते हैं और जागृत होकर के जीव छुड़ाने का काम करते हैं। मैं कहता हूं ये चीज गलत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या जीव दया के लिए पूरे साल में एक ही दिन होता है? एक दिन के लिए हम जग जाते हैं, एक दिन के लिए इतना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 364 दिन जीव दया कितनी हमारे जीव, हम कितनी जीव दया का पालन करते हैं? अरे हम उनको टोकते हैं, उनको बोलते हैं कि वो लोग हिंसा करते हैं। मैं कहता हूं समझ लेना, आज यदि आदमी जागृति के साथ जीवन न जीता हो, पूर्ण जागृति के साथ अपने जीवन को न चलाता हो, तो हर एक आदमी आज अपने जीवन में हिंसा कर। यह भारत देश जहां अहिंसा का जय घोष किया जाता था, ये श्री राम का देश है जिन्होंने अहिंसा की बातें करी, ये श्री कृष्ण का देश है जिन्होंने भी अहिंसा की बातें करी, ये गौतम बुद्ध का देश है, यहां अहिंसा की गाथाएं गाई जाती है, ये भगवान महावीर का देश है जिनका मुख्य सूत्र ही अहिंसा परमो धर्म था, ये महात्मा गांधी का देश है जो लड़े नहीं लेकिन अहिंसक आंदोलन करके भारत को आजादी दिलवाई, और ये परंपरा में जीने वाले हम आज हमारे देश में हिंसा का इतना बड़ा स्वरूप हो गया है, हिंसा का इतना बड़ा तांडव हो रहा है, हम सोच तक नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं भारत में ऑफिशियल 3600 स्लॉटर हाउस है। आप एक दिन की बात करते हो, मैं हर रोज की बात करता हूं। जीव दया कोई एक विशेष दिन की मोहताज नहीं है, जीव दया प्रतिदिन होनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए, हमारे जीवन में हमारे प्रत्येक रोम राजी में जीव दया समानी चाहिए, तब जाके हम सच्चे हिंदू कहे जाएंगे, तब जाके हम सच्चे जैन कहे जाएंगे। भारत में 3600 स्लॉटर हाउस कत्ल खाने, 3600 ऑफिशियल और अनऑफिशियल 32,000 कत्ल खाने, आप सोच सकते हो रोज कितनी जीव हिंसा होती होगी, आप सोच सकते हो हिंसा के क्षेत्र में हम कहां जा रहे। और हर हिंसा मांस खाने के लिए नहीं होती, आपके पास कई लेदर के मटेरियल ऐसे आते हैं जो हिंसक है, हमारी बहने की कॉस्मेटिक आइटम्स इंपोर्टेड जो होती है कई ऐसे आती है जो हिंसक है, आपके खाने के कई पदार्थ ऐसे हैं जो हिंसक है, जहां आपको पता नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं नॉनवेज का अंश रहा हुआ है, वो आप बड़े आराम से, बड़े मजे से, बड़े आनंद के साथ खाते हो, वहां पर भी हम कहीं ना कहीं हिंसा में निमित्त बनते हैं। आप 5-स्टार होटलों में खाना खाने जाते हो, महाराज जी हमारा स्टेटस है, हमें स्टेटस संभालना पड़ता है, शादी करनी है तो 5-स्टार होटल में करनी पड़ती है, और जब 5-स्टार होटल में, अब जब हम इस बार जम्मू कश्मीर की यात्रा के ऊपर गए तब हम एक होटल में रुके हुए थे, ओ भाई से हमने पूछा
कि भैया आप यहां से बाजू में थोड़े दूर 5-स्टार होटल चलाते हो, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि 5-स्टार होटल में क्या वेज नॉनवेज मिक्स होता है? और वह भैया ने बिना झिझक हमें बता दिया कि हाँ गुरु भगवान होता है, एक ही महाराज होते हैं, एक ही बनाने वाला होता है, वही कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता ही है। महाराज जी मैं ये नहीं कहूंगा कि संपूर्ण रूप से शुद्ध रूप से वेज खाना हम दे पाते, और वह 5-स्टार होटलों में जाकर के आपको भोजन करना है, आपको अपनी जिह्वा को संतोष देना है, आपको अपने रस को संतोष देना है। मैं कहना चाहता हूं समझ लेना, आज यदि हम जागृत न रहे तो हिंसा के भागीदार हम भी बनेंगे। आपके जीवन में इतनी सारी भोजन की आइटम है, इतनी सारी फैशन की आइटम है, इतनी सारी लेदर की आइटम है आपके जीवन में है, जहां कहीं ना कहीं हिंसा का कहीं ना कहीं स्वरूप जुड़ा हुआ है, जहां कहीं ना कहीं हिंसा का अंश दिखाई पड़ता है। यह भारत देश आपको पता है, जब 1970 में ईस्वीसन 1970 में जब भारत से मांस निर्यात होता था, तब के आंकड़े में आपको बताता हूं और आज के आंकड़े बताता हूं, समझना हम कहीं ना कहीं कहां निमित्त बन रहे हैं। 1,69,000 टन मांस का निर्यात 1970 में हुआ था, आंकड़ों की ओर गौर करना, 1,69,000 टन, एक टन यानी कितना किलो, 1,000 किलो, 1,69,000 टन मांस का निर्यात 1970 में होता था। और जब 2020 के आंकड़े आए, 2021 के आंकड़े अभी तक हमारे सामने आए नहीं है, लेकिन 2020 के जो आंकड़े आए, ये आंकड़े ये बताते हैं कि 2020 में भारत में से 37,60,000 टन मांस का निर्यात हुआ। ये भारत देश हमारा, और इसीलिए मैं तो निवेदन करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी से, कई बार गुरुदेव कह चुके हैं, कई बार पूरे अनेक साधु संत कह चुके हैं, पूरा हिंदू समाज कह चुका है, और मैं आज फिर से 138 करोड़ भारतीयों की ओर से निवेदन करूंगा कि हम बचा बचा के कितने जीव बचा पाएंगे। लेकिन आपकी जो भावना थी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपने बीड़ा उठाया था अयोध्या का, उसको परिपूर्ण कर दिया, आपने बीड़ा उठाया था 370 का, उसको परिपूर्ण कर दिया, लेकिन एक बीड़ा आपका बाकी है पिंक रिवेल्यूशन, जब जो आपने बात कही थी 2014 में, और वो पिंक रिवेल्यूशन का समय आ गया है। इसी तरह से यदि मांस का निर्यात बढ़ता रहा, आज दुनिया में चौथे नंबर पे भारत बैठा हुआ है, और मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक इंसान बचा बचा के कितने जीव बचाएगा, एक बचाएगा, दो बचाएगा, चार बचाएगा, एक संस्था बचा बचा के कितने जीव बचाएगी, 500 बचाएगी, 1,000 बचाएगी। लेकिन यदि सरकार सपोर्ट करती है, पिंक रिवेल्यूशन आता है, यहां से मांस निर्यात बंद होता है, मैं समझ सकता हूं उनकी भी कई मजबूरियां है, उनके भी कई फाइनेंशियल रीजंस है, लेकिन मैं ये 100% निवेदन करना चाहता हूं हर एक साधु संत की, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, हर एक समाज की यह भावना है कि हमारे यहां से ये पिंक रिवेल्यूशन होना चाहिए, मांस निर्यात कम से कम हो और परंपरा से बंद हो। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज के दिन हम यह संकल्प करें कि हमारे जीवन में एक भी हिंसक वस्तुओं को हम प्रवेश नहीं दें। आज के दिन तो हम बड़े जाग जाते हैं, बड़ी जीव दया के कार्य कर लेते हैं, लेकिन हर रोज के लिए हमारा जीवन कैसा? अरे हमारा जैन धर्म तो इतना सूक्ष्म है कि यहां पर कहा गया है आप प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।